हेलो एवरीवन, आई एम विनी शर्मा। वेलकम टू Esciencezone द स्टडी चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल बायोलॉजी। इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को कब कंप्लीट किया था, तो आप उन वीडियोस को सेल बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेल वॉल होती क्या है। सेल वॉल एक रिजिड प्रोटेक्टिव एंड सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन के अराउंड, जो कि एक सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होती है किसी भी सेल की। ठीक है, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है एक सेल को। ये मेनली प्रेजेंट होती है एल्गी, प्लांट्स, फंगाई, बैक्टीरिया एंड सम प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, ये नॉन लिविंग होती है बट मेटाबॉलिकली ये एक्टिव होती है, मतलब इसके अंदर ग्रोथ एंड डिवीजन इसके अंदर देखने को मिलता है। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है एंड नॉन लिविंग होती है। ठीक है, तो ये था सेल वॉल की डेफिनेशन कि हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कि वो रिजिड होती है, प्रोटेक्टिव होती है एंड सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है एक सेल मेम्ब्रेन के अराउंड, जो कि उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी एंड नॉन लिविंग एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें कि सेल वॉल की फंक्शनिंग क्या क्या रहेगी, तो सबसे पहली फंक्शनिंग मैंने यहाँ पे डिस्कस की कि वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, मतलब एक सेल को वो शेप या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। सेकंड इसकी फंक्शनिंग रहेगी कि ये मैकेनिकल डैमेज, उसके अंदर जितना ये मैकेनिकल डैमेज होगा उसको कंट्रोल करने में ये हेल्प करेगी, मैकेनिकल डैमेज को ये कम करेगी, बिकॉज ये रिजिड इतनी ज़्यादा होती है कि इससे मैकेनिकल डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेल इंट्रैक्शन, दो सेल के बीच में ये एक इंट्रैक्शन इस्टेब्लिश करती है बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा एंड पिट्स। ठीक है, उसके बाद में ये कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए बैरियर के रूप में यूज होती है। उसके बाद में इनका अदर फंक्शन क्या रहेगा कि ये अटैक पैथोजेंस को रोकती है। बाहर से तो पैथोजेंस इसके ऊपर अटैक करेंगे, सेल के ऊपर अटैक करेंगे, उनके अटैक को रोकने में ये हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद में इसका इम्पोर्टेंट ये फंक्शन हो जाता है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर काउंट्रैक्ट करती है। ठीक है, कि मेनली ये प्रेजेंट होती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, प्लांट्स में, तो प्लांट्स के अंदर वाटर कंटेंट या फिर लिक्विड कंटेंट की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू एनिमल। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि सेल वॉल होगी वो ऑस्मोटिक प्रेशर के काउंट्रैक्ट एक्ट करेगी, जिससे इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर की चेंजेस देखने में कम मिलेंगे, मतलब इसके अंदर वाटर का लॉस होना या फिर एक्सेस वाटर का इंटेक होना इसके चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें एल्गी एंड प्लांट्स के कंपोजिशन के बारे में कि सेल वॉल की कंपोजिशन क्या रहेगी एल्गी एंड प्लांट्स में, तो इन दोनों में एक कॉमन चीज़ देखने को मिलती है जो कि है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज इन दोनों में कॉमन देखने को मिलता है, चाहे वो एल्गी हो चाहे वो प्लांट्स हो, बट आगे इनमें डिफरेंस देखने को मिलता है कि प्लांट्स के केस में हेमी सेलुलोज भी देखने को मिलता है एंड पेक्टिन भी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन एल्गी के केस के अंदर क्या होगा, ग्लेक्टेंस एंड मेनेज एंड कैल्शियम कार्बोनेट भी इस एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। तो मैंने जैसा तो पॉलीमर होते हैं मेनोज के। तो ये था कंप्लीट सेल वॉल एंड इसके फंक्शनिंग के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की एक सेल वॉल के, तो उसमें मैट्रिक्स एंड माइक्रोफाइबर्स देखने को मिलते हैं। मेनली जो मैट्रिक्स होंगे वो हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, वाटर कंटेंट, प्रोटीन, पैक्टिन एंड लिपिड कंटेंट होते हैं। ठीक है, एंड इनमें जो माइक्रोफाइबर्स देखने को मिलेंगे वो सेलुलोज के देखने को मिलेंगे, फंगल सेलुलोज के देखने पड़ेंगे एंड म्यूकोपॉलीमर के माइक्रोफाइबर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इनमें जो अदर ग्रेडियंट्स इसमें जो इसकी फॉर्मेशन में, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं वो है लिग्निन, क्यूटिन, सुबेरिन एंड सिलिका। इसमें जो लिग्निन होता है वो सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर हार्डनेस या रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जो सेकेंडरी वॉल के अंदर रिजिडिटी प्रोवाइड करता है लिग्निन, क्यूटिन एंड सुबेरिन का इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग होती है सेल वॉल की फॉर्मेशन में। जो क्यूटिन होता है ये एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर में को रोकने में हेल्प करता है, मतलब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के अंदर क्यूटिन होता है वो लीव्स के सरफेस के ऊपर कवर्ड होता है। ठीक है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की अमाउंट लेस हो सके या फिर एक्स्ट्रा जो लॉस ऑफ वाटर है उसको रिड्यूस किया जा सके। उसके बाद जो सुबेरिन होता है ये जो सेल वॉल होती है उसको इम्परमेबिलिटी या इम्परमीएबल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, एंड जो सिलिका होता है ये स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, स्टिफनेस
प्रोवाइड करता है सेल वॉल को। ठीक है, तो मेनली जो सेल वॉल होगी उसमें ये मान लीजिए ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाहर अगर मैच्योर सेल है, मैच्योर सेल मतलब कि वो जो अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है या फिर आगे फर्दर डिवीजन को शो नहीं करेगी उनको बोलते हैं मैच्योर सेल। अगर ये मैच्योर सेल है तो यहाँ पे देखने को मिलेगी सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद में इसकी भी तीन लेयर्स होती है, सेकेंडरी सेल वॉल की थ्री लेयर्स होती हैं, S1, S2 एंड S3। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखने को मिलती है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, सेकेंडरी के बाद में प्राइमरी एंड उसके बाद में देखने को मिलती है मिडल लेमिला। ठीक है, उसके बाद देखने को मिलती है मिडल लेमिला। तो ये तीन लेयर्स होती है एक मैच्योर सेल के अंदर, और अगर सेल मैच्योर नहीं है तो उस केस में मिडल लेमिला एंड प्राइमरी सेल ये दोनों देखने को मिलती है, सेकेंडरी जो सेल होगी वो इसके अंदर एब्सेंट होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये नॉन लिविंग होती है एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और ग्रोथ को शो करती है। जब ये ग्रोथ को शो करेगी तो सेकेंडरी जो सेल वॉल है उसकी फॉर्मेशन करेगी, एंड इन प्रीमेच्योर स्टेज ये प्राइमरी सेल वॉल तक ही लिमिटेड होती है, एंड इसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं मिडल लेमिला। ये एक सिमेटिंग लेयर होती है, सिमेटिंग लेयर मतलब कि ये एक सेल को एंड दूसरी सेल को एक दूसरे के साथ में कंबाइन करने में, ज्वाइंट करने में हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइंट करने में मिडल लेमिला हेल्प करेगी, तो ये सीमेंटिंग लेयर होती है एक सेल वॉल की। ठीक है, उसके बाद में ये ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा एंड पिट के थ्रू फ्लूड का एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन होगी मिडल लेमिला की वो होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कॉम्पोजिशन क्या होगी मिडल लेमिला की, तो कॉम्पोजिशन होगी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल एंड इट्स फंक्शनिंग के। अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेकेंड वॉल होगी वो मिडल लेमिला के इनर साइड प्रेजेंट होगी, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ, कि ये बाहर मिडल लेमिला है तो इसमें यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल होगी एंड इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, सबसे बाहर होगी मिडल लेमिला, उसके अंदर सेकेंड प्राइमरी सेल वॉल एंड उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो ये इनर साइड होगी मिडल लेमिला के, इसमें इसकी जो कंपोजिशन होगी वो मेनली होगी क्या कि मान लीजिए ये सेकेंडरी सेल वॉल है एंड ये मिडल लेमिला है, इन दोनों के बीच में प्राइमरी सेल वॉल है, तो प्राइमरी सेल वॉल माइक्रोफाइब्रिल्स का एक नेटवर्क होता है मैट्रिक्स में, इसका जो मैट्रिक्स होगा उसमें माइक्रोफाइब्रिल्स का एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी एंड ये करेगी प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन। ठीक है, कि एक मैट्रिक्स होगा उसके अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स का एक नेटवर्क अगर आपको दिखता है तो वो प्राइमरी सेल वॉल होगी, एंड वही प्राइमरी सेल वॉल आगे फिर डिवीजन या ग्रोथ करके सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, इसके अंदर जो माइक्रोफाइब्रिल्स देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से हैं, सेलुलोज के, म्यूकोपॉलीमर के या फंगल सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स के नेटवर्क देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में इसके अंदर जो मैट्रिक्स होगा प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो कि प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन करेगा वो मैट्रिक्स देखने को मिल सकता है पैक्टिन, हेमीसेलुलोज एंड वाटर का। इसके लिपिड एंड प्रोटीन भी एज ए मैट्रिक्स के अंदर भी यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें हम सेकेंडरी सेल वॉल की जो कि प्राइमरी सेल वॉल के भी इनर साइड में प्रेजेंट होती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल एडजेसेंट में भी प्रेजेंट होती है मैच्योर सेल्स के। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होगी मैच्योर सेल्स के अंदर। ठीक है, और इनर साइड में प्रेजेंट होगी ये प्राइमरी सेल वॉल के, प्राइमरी सेल वॉल के इनर साइड में, सबसे बाहर मिडल लेमिला होगी उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल, उसके अंदर भी सेकेंडरी सेल वॉल। इसकी मेनली थ्री लेयर्स होती है जैसा कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इसकी थ्री लेयर्स देखने को मिलेगी S1, S2 एंड S3 लेयर, जो कि एक लार्ज या थिक लेयर की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इसकी जो कंपोजिशन होगी उसके अंदर लिग्निन रिच अमाउंट में देखने को मिलता है। ये लिग्निन रिच अमाउंट में क्यों देखने को मिलता है, ये जो लिग्निन होता है वो इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, और रिजिड होने की वजह से ये इसको स्पोर्टिव भी बोल सकते हैं, ये स्पोर्टिव मेम्ब्रेन या लेयर की तरह बिहेव करेगी एक सेल के लिए। ठीक है, उसके बाद में बात करें इनर मोस्ट जो
सेकेंडरी लेयर होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होगी, इनर मोस्ट सेकेंडरी सेल वॉल होगी, वो आगे ग्रोथ को शो करेगी एंड टर्शियरी सेल वॉल की फॉर्मेशन करती है कुछ केसेस में, हर केसेस में ये नहीं करेगी, कुछ केसेस के अंदर ये टर्शियरी सेल वॉल की फॉर्मेशन करेगी और वो भी इनर मोस्ट सेकेंडरी सेल वॉल। अब हम बात करते हैं कि दो सेल्स जिनके बाहर मिडल लेमिला प्रेजेंट है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होंगे तो वो अपने फ्लूड का एक्सचेंज किस चैनल के थ्रू या कैसे अपना फ्लूड का एक्सचेंज को शो करेंगे, तो उसके लिए दो चीजें होती है, एक प्लाज्मोडेस्मेटा एंड दूसरे पिट्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं एंड उनकी फंक्शनिंग क्या होगी। प्लाज्मोडेस्मेटा में लिखे होंगे क्या, प्लाज्मोडेस्मेटा साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस होते हैं बिटवीन टू सेल्स, मिडल लेमिला के थ्रू ये दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और साइटोप्लाज्मिक ब्रिज की फॉर्मेशन करते हैं दो सेल्स के बीच में। इसके अंदर जो मटेरियल का ट्रांसफर देखने को मिलता है वो सिम्प्लास्टिक टाइप देखने को मिलेगा, सिम्प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक दो टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलते हैं, तो उसमें जो सिम्प्लास्टिक पाथवे होगा उसको ये फॉलो करेंगे, उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ कॉम्पोनेंट होगा और मटेरियल होगा वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर करने में ये हेल्प करते हैं कि वन कॉम्पोनेंट या वन मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल के ट्रांसफर में प्लाज्मोडेस्मेटा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक सेल के वॉल के थ्रू। ठीक है, उसके बाद में बात करें हम पिट्स की कि पिट्स क्या होते हैं, तो पिट्स क्या होंगे कि जब सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है तो उसके कुछ प्लेसेस के ऊपर उसकी जो थिकनेस होती है थिकनेस होगी वो कम रहेगी या फिर हम बोलेंगे कि बिल्कुल थिन रहेगी, उस एरिया से मटेरियल का ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरे सेल के बीच में उसको बोलते हैं पिट्स। एक तरह से बोल सकते हैं कि ब्लैंक स्पेस हो जाता है सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर जिसके थ्रू एक सेल का मटेरियल दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। इसके अंदर ये पेयर्स के अंदर ही फॉर्म होते हैं, मतलब कि दो पिट्स इकट्ठे देखने को मिलेंगे या दोनों पिट्स की इकट्ठे ही फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसके अंदर रैपिड ट्रांसलोकेशन मतलब कि हाई अमाउंट ऑफ मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल के बीच में ट्रांसफर हो सकता है, तो रैपिड ट्रांसलोकेशन पिट्स के अंदर देखने को मिलता है और ये मेनली फॉर्म कर कैसे होते हैं सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन के टाइम पे जब इसकी थिकनेस कम रह जाती है तो उसके कारण पिट्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये प्लाज्मोडेस्मेटा एंड पिट्स जो कि सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होंगे एंड ट्रांसलोकेशन या फिर एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मटेरियल का ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर अर्ली नोटिफिकेशंस। एंड अगर आपको इसके रिटन नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप www.escience.com पर जाके इनके नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स के नोट्स या फिर रिटन टैब्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं।